नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप फेसबुक पे फोटो पोस्ट करते हैं और आप उस पोस्ट पे म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो कैसे आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फेसबुक पे फोटो पोस्ट करते हैं तो उस पोस्ट पर आप म्यूज़िक कैसे लगा सकते हैं। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ गया। अगर आप फोटो पोस्ट करते हैं फेसबुक पे और उस पर म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फेसबुक ओपन करना है, और फेसबुक ओपन करने के बाद सिंपली जैसे आप फ़ोटो पोस्ट करते हैं तो फोटो पोस्ट करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस भी इमेज पर पिक्चर लगाना चाहते हैं आपको पिक्चर ले लेने। तो यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर लेता हूँ और उस पर एक म्यूज़िक ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऊपर एडिट और इफेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, या फिर आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे अपने तो यहाँ पे आपको एडिटिंग के टूल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक का ऑप्शन दिख रहा है। म्यूज़िक लगाने के लिए सिंपली आपको म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूज़िक आपको शो हो जाएंगे। तो आप जो भी म्यूज़िक लगाना चाहते हैं अपने फ़ोटो पोस्ट पर, फेसबुक पोस्ट पे, तो यहाँ से उस म्यूज़िक को आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ से मैंने म्यूज़िक को चूज कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आप म्यूज़िक लगा रखे हैं यहाँ पे उसका लोगो शो हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे करने के बाद यहाँ पर इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद ये हमारा म्यूज़िक इस पर लग गया है। अगर आप इसमें कोई और भी इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं फेसबुक पोस्ट में तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टिकर मिल जाएंगे। यहाँ स्टिकर पे क्लिक करेंगे आपको स्टिकर मिल जाएंगे ढेरों सारे, और यहाँ पे आपको इफेक्ट नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं अपने फेसबुक पोस्ट में तो यहाँ से इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं म्यूज़िक लगा दिया अपने पोस्ट पर, अब आपको क्या करना है डन पे क्लिक कर देने हैं। तो यहाँ से मैंने डन पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू है। डन पे क्लिक करने के बाद अब ये म्यूज़िक हमारे पोस्ट पे लग चुका है। अब यहाँ पे हम कोई कैप्शन दे देते हैं, तो यहाँ पे मैंने कैप्शन दे दिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है अपने फ़ोटो को पोस्ट करना है फेसबुक से। तो अब क्या करना है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप पब्लिकली यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर खास अपने लिए। तो यहाँ से ओनली मी करता हूँ क्योंकि मैं आपको बताने के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया। तो यहाँ पर आप डन पे क्लिक कर देंगे और आपको क्या करना है आप पोस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमारा ये फ़ोटो पोस्ट हो जाएगा फेसबुक पे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये म्यूज़िक हमारे पोस्ट पे लग चुका है। अगर कोई भी स्क्रॉल करके हमारे पोस्ट को देखता है तो फ़ोटो के साथ साथ हमारा म्यूज़िक चलता रहेगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने अभी फ़ोटो पोस्ट किया था ये फ़ोटो है, और यहाँ पर ये म्यूज़िक लग चुका है इस पर। तो कोई भी हमारे पोस्ट पर आएगा तो ये फ़ोटो शो होगा, साथ में यहाँ पर म्यूज़िक चलता रहेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं, अगर आप उस पर म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या फिर एडिटिंग करना चाहते हैं अपने फेसबुक पोस्ट में तो कैसे कर सकते हैं।